व्यवस्था बिल्कुल फ्री। आदमी ने कहा यार ये तो चीज है, खाना और रहना, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर इंटरव्यू चल रहा, अंदर से जो आओ गाड़ा बकता हुआ है, पागल की औलाद अखबार में एड दे रहा, हमको गनचक्कर समझता है क्या? बाहर वाले खड़े वो सब परेशान। एक आदमी ने पूछा भाई साहब इधर आओ, क्या हुआ, क्या चल रहा अंदर? अरे पागल का बच्चा बैठा है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई इंटरव्यू है क्या, हो क्या रहा? अंदर का नक्शा ये है कि एक आदमी 3 घंटे का टिप्पण लेकर बैठा, नमस्कार साहब नमस्कार, आइए, सिर्फ 2 घंटे का काम अपना, 2 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं, करना क्या है, करना क्या, सुबह यहां आ जाओ, ये 3 घंटे का टिप्पण ले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, तुम खाना वहां खा के आ जाओ, मेरा यहां पर लेके आ जाओ, शाम को फिर आ जाओ, टिप्पण ले जाओ, तुम खाना खा के वहां पर आ जाओ, मेरा यहां पर लेके आ जाओ, सुबह 1 घंटे का काम है, शाम को 2 घंटे, 1 घंटे का काम है, फिर रहना कहां है, गुरुद्वारे में खाना और रहना फ्री। हर आदमी अपने दिमाग से कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक बहुत ही ट्रेडिशनल मारवाड़ी कॉमेडी आपको सुना देता हूं, क्योंकि मैं मिल में 20 साल तक मैंने काम किया, कई लोग मेरे को पूछते यार राजस्थानी कटू सीखी, काम ही देसी अंग्रेजा के साथ में करीवा, मैं तो मारो नाम ही सही नहीं बोलता, मारो नाम ओम प्रकाश, बिल थोड़ो बिगड़े ओमा, ओमान थोड़ो और बिगड़े बोमा, उन अंग्रेजों के साथ में काम किया, देसी अंग्रेजों के साथ, वहां पर फुल कॉमेडी चलती है, और वहीं से मैंने राजस्थानी भाषा सीख के आया। गांव का आदमी अमिताभ बच्चन को फेर करते है, और जब मौत हो जाए जब तो और ज्यादा फेर करते है, बाप बेटा बैठा बैठा बातें कर रही है, अचानक बाप के हार्ट अटैक आयो, डोगरो डिगली हो गयो, अरे 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 यू कहीं करे, अरे यान कहीं मरे, बताता तो सही डायरी कितने रखी है, पिया किने दियोड़ा है, क्यों लेना है, किने देना है, अरे वारे अरे वारे अरे वारे वारे वहां मारा बाबा हाचा फाड़िया मारा गाबा, अटिले तो काल पिटो, अटिले तू डिगली हो गयो। गांव के लोग भाई इकट्ठा हुए, अरे तेजा क्यों चिंता करे यार, माँ का भी तो पिताजी मरिया, मैं तो 3-3 साल का जदे माँ का पिताजी मर गया, चल ले गया अपने पिताजी को जला के, 3 महीने बाद में माँ मर गई, अरे हमारी माँ, हाँ चो दूध पाया हमारी माँ, छाती के चेप रह गए हमारी माँ, अरे रात का मैं उठी जन तू उठी अरे हमारी माँ, अरे हमारा पिताजी, अरे इन्हें ऊपरे ज्ञान बुलाई है, कहे ऊपरे पजामा दुपा आई, फिर लोग बाग आए, माँ को जड़ा के आ गया, 3 महीने बाद में लुगाई मरी, रोने की कैपेसिटी खत्म हो गई, अरे 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 यमराज के तुम्हारा घर को पान खा गयो कि सुपारी मारा घर के खाए उड़, डोकरे ले गयो कोई बात नहीं, डोकरी ले गयो कोई बात नहीं, ए 6 छोटा छोटा बच्चा, ए रात का ऊट उठ रोई, याने कुण तो तैयार कराई, अरे कुण स्कूल भेजी, तो रोया तो 1.5 घंटे तक चुप नहीं हुआ। अब गांव के लोग बातें कर रहे थे, देखे एक बाप मरियो जन मुंह घड़ी देखी वो 15 मिनट में चुप हो, एक माँ मरी जन मुंह घड़ी देखी वो 20 मिनट में चुप हो, और आज लुगाई मर गई तो 1.5 घंटे तक चुप नहीं, मेरे तेजा डब्बे को ले, माँ बाप मरिया जी टेम का बेटी का बाप 10-10 15-15 मिनट तक रोई हो, अरे लुगाई मर गई तो तू 1.5 घंटे भी हाल तक ढपी ना रही हो, अरे का भाई लोग मारो रोबा कारण दूसरा दूसरा तीसरा खाई है, कह देखो मारो बाप मरियो जी टेम का गांव का अगड़ा बूढ़ा बूढ़ा डोकरा की तेजा रोवाना बेटा, मैं तारा पिताजी आ रहे, मारी माँ मरी जन गांव की अगली बूढ़ी बूढ़ी डोकरे के तेजा रोवो मत, मैं थारी माँ आ रहे बेटा, 1.5 घंटे भी हो चढ़े वाले बजा लो यार थोड़ा, मैं आपको वहां से उठा करके मेरे पास में लाने की कोशिश कर रहा हूं, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, हर आदमी चाहता मैं जिंदा रहूं लेकिन मरना पड़ता मेरे दोस्त, तब जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग,
मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। जिस दिन ये तमन्ना कर लोगे ना, उस दिन के बाद में लोग बाग तुम्हारे कदमों में होंगे। मैंने कहा सर लिसन माई टॉक, इन माई इंडिया डॉग स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेज चक्कर में पड़ गए ना, डॉग स्पीक इन इंग्लिश वेयर? मुझे पता था गली में तीन चार सो रहे हैं। मैं कहा सर गो इन साइड देयर, वेयर मेगा इन साइड देयर, अंदर प्रिंसिपल साहब बैठे। जो ही अंग्रेज अंदर घुसा, अंग्रेजों ने कुत्तों को देखा, कुत्तों ने अंग्रेजों को देखा, कान हिला करके कुत्तों ने पहला सवाल किया, हु 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 हु। अंग्रेज के वार्ड से पूछ रहे कौन आया बताओ? अंग्रेज बोला आई आई एम फॉरेनर। कुत्तों ने दूसरा सवाल किया, हाउ 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 हाउ, यहां कैसे बड़ा बंद कर लिया? अंग्रेज बोला आई सी फॉर इंडिया पुष्कर जयपुर। तीसरी बार कुत्तों ने कान डेराया, हो घूम ले बेटा। तो बस ये हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो लोग बाग देश प्रेम करते हैं उनके सम्मान में चंद लाइनें पढ़ता हूं। टेंशन कम होने में मुझे पता है, घर से आए हो तो कुछ टेंशन छोड़ के आए हो, थोड़ी देर दिमाग में यहां बैठोगे जब तक टेंशन घूमेगी। और जिसके पास में मोबाइल है वो फुल टेंशन में। एक दोस्त के पास में बैठा, उसके फोन की घंटी बजे, मैं उठा नहीं रेवा होता है कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं। 22.5 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर चढ़ने की तैयारी में थे। जेलर ने उनको पूछा, कल सुबह तुमको फांसी दी जाएगी, तुम इस दुनिया से चले जाओगे, दुख मुझे भी है, बहुत कम अवस्था में तुमको इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, लेकिन सरकार का नियम है और सरकारी नियमों के अनुसार जिसको फांसी दी जाती है, 2 मिनट ध्यान अटल पढ़ लो भाई साहब, जो मंच जिसके अनुरूप है। सरकार का यह नियम है कि जिसको फांसी दी जाती है उससे पहली रात को पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ। शहीद आजम भगत सिंह बोले कि मैं उस मां से मिलना चाहता हूं, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं जिसने मुझे 9 महीने तक पेट में रखा और जन्म देकर के ऐसी सीख और ऐसी सोच दी कि मैं आज हिंदुस्तान मां भारती के चरणों में अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं। भगत सिंह जी की माता जी को, भगत सिंह जी की माता जी को जेल में लाया गया। अंदर के कमरे में शहीद आजम भगत सिंह, बाहर की तरफ उनकी मां, कभी अपने बेटे के चेहरे को देखती फिर गहरी सोच में डूबती। और बातचीत के दौरान जब शहीद आजम भगत सिंह जी ने देखा कि मेरी मां की आंखों में कुछ पानी चमक रहा है, शहीद आजम भगत सिंह बोले, मां 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 इस आंसू को नीचे मत गिरने देना वरना मुझे मरते वक्त बहुत तकलीफ होगी। शहीद आजम भगत सिंह जी की माता जी बोली, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू कल सुबह मां भारती के चरणों में अपने आप को कुर्बान कर देगा, मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे एक ही भगत सिंह क्यों दिया। 2-4 भगत सिंह, 5-10 भगत सिंह देता तो भी मैं उनको कुर्बान कर देती। ऐसी माओं का देश है जहां जिन्होंने भगत सिंह को परम के गा रहा हूं मैं, मां भारती की आरती उतार रहा हूं, गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, मां भारती की आरती उतार रहा हूं मैं, और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। इस बार जो लोग बाग को अनुभव पूछो मीटिंग में, पहले अमेरिका वाले बोले, देखो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जिस मशीन में हम जो कुछ भी इधर से डालते हैं वो बनकर के उधर निकलता है, बहुत बढ़िया। जापान वाला है, आपके यहां खाना कैसे बनता है? हमारा खाना तो ऐसे बनता है कि हम लोग बाग कुछ भी नहीं डालते, हम मशीन में कंप्यूटर में लोड कर देते हैं, 1 तारीख को ये खाऊंगा, 2 तारीख को ये खाऊंगा, 3 तारीख को ये खाऊंगा। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी, और ये मशीन अपने आप एब्जॉर्ब करके खाना बना के निकाल देते। अब नंबर आयो हिंदुस्तान को, हाउ मेड फूड, हिंदुस्तान में खाना कैसे बनता है?
हिंदुस्तान का हलवाई चक्कर में पड़ गया यार, ऐ तो बहुत तगड़ी फेंक रही है। वो सामान डाले खानों पर निकल जाए, वो जापान वालों सामान ही डाले, मशीन अपना बना। हिंदुस्तान का आदमी बोला कि साहब हमारे यहाँ भी मशीन ऐसी है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उसमें हमने मल्टीफाई किया। क्या किया? कह साहब इधर से आप बकरा काट के डाल दो, अच्छा वो बढ़ के उधर निकल जाएगा, वेरी नाइस। फिर सब्जी टेस्ट करो, पसंद नहीं आवे सब्जी इधर डालो, करता हुआ बकरा उधर से बाहर निकल जाएगा। तो हिंदुस्तान फेंकने में कमी नहीं है। और दाड़ा काट लिए कि मैं तो ना उड़ी, मैं उड़ रही हूं। अपना पिताजी थी गोलियां छोड़ी, और आप एक भी गोली ना छोड़ी, कि यार गोली 90 रुपए की आता है, 90 रुपए में तो क्वार्टर आ जाए, आप तो खुद गोली बढ़ जाओ। कह रहे आज तो गोली छोड़नी पड़ी। दो गोली लेके आए, फुल दारू पी करके शिकार में निकल गए। शाम का वक्त था, कबूतरों का टोड़ा उड़ के जा रहा, देख अब देख मारो निशानो, अब गोली छूटे ला है तू, अरे कबूतर मरेला उपरू। गोली छोड़ी, कबूतर मरा ही नहीं, उड़ने में लगे। क्या कट्टा मरियो यार, कबूतर तो अगड़ा उड़ रही है। के यार जड़े तो दिमाग खराब है बेटे का बाप, पहली बार देख रहे हो मरियड़ो कबूतर उड़ रही हो। जोधपुर कोर्ट में गए, शादी करके आ गए, दोनों के गले में फूल माला। जो ही आगे बंगले का दरवाजा खोला, अंदर से कुत्ता आया भगा हुआ, आते चिल्लाया भाग भाग। कर्नल साहब बोले आवाज बंद करेगा एक, कुत्ता फिर चिल्लाया आवाज बंद करेगा दो, कुत्ता फिर चिल्लाया आवाज बंद करेगा तीन। कुत्ता ने फिर चिल्लाने की कोशिश की, कर्नल साहब ने रिवॉल्वर निकाला, गोली मार दी। औरत का दिमाग खराब हो गया, किससे शादी कर ली, कुत्ता बोला उसमें गोली मार दी, इसके साथ में जीवन कैसे निकालना। अब वो औरत फैली, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता कर्नल साहब, ये तो आपको शादी की मुबारकबाद देने आया था, मेरे को आपके साथ देखा तो इसलिए ये आ गया, और आपने उसको गोली मार दी। कर्नल साहब बोले आवाज बंद करेगी एक, जिंदगी में दूसरी बार आवाज ली। और हिंदुस्तान तो धार्मिक देश है, सुबह सुबह दोस्त आया रोता हुआ, ओम जी ओम जी ओम जी, मेरे शांति राखियो, चाचा जी चले गए, चाचा जी चले गए। देखो चाचा जी से कल शाम को मिलके आया हूं, चाय पी है, आधा घंटे में उनके पास में बैठा हूं, कैसे चले गए? रामदेव बाबा ने मरवा दिया, रामदेव बाबा ने मरवा दिया। देखिए रामदेव बाबा हरिद्वार में तू रहे, ब्यावर में रामदेव बाबा ने कैसे मरा दिया? अरे यार बात तो पूरी सुन, उसमें लाना बोतल निकाल के, बोतल बैग में, बात तो पूरी सुन। चाचा जी को शौक लग गया योग करने का, बाबा रामदेव आवे 5 बजे टेलीविजन पे, हमारे कमरे ऊपर, चाचा जी का कमरा नीचे, टेलीविजन लगा हुआ, 5 बजे टेलीविजन खोले और बाबा रामदेव जी आवे, करो 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 करो, करने से होता है, अपने मन से कुछ मत करो, मैं कहूं जैसे करो। अब बाबू करे टेलीविजन में, चाचा जी करे कमरा में, अचानक रामदेव बाबा बोले जितनी भी सांस है उसको खींचो। अब यार 85 साल की उम्र में फुल ताकत लगा, चाचा जी सांस ही जी ने खींच ली। मैं के फिर 1.5 मिनट बाद में बाबा रामदेव फिर बोले और कुछ बाकी बच गई हो तो, अब आप बोल लो और कुछ बाकी बच गई होती उसको भी बोलो तो सही यार, ब्यावर में यह काम हो लंदन उतर चुके, और कुछ बाकी बच गई हो तो उसको भी खेचो। चाचा जी ने 2 बार, हाँ इनको पिला दो, चाचा जी ने 2 बार सांस खेच ली। देखिए फिर हुआ क्या, बाद में लाइटें चली गई, लाइट आई तो चाचा जी चले गए। मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ दिनों के लिए जितनी टेंशन है बीमारी आपके पास में है, कुछ
कुछ देर के लिए उसे आप भूल जाए, मेरे आने का मकसद यही है। तुम्हारा नंबर है बेटा। बेड़े में गया जाकर के जोई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाते किनारे पे एक नागा बाबा देखे, वारे वाह बाबा, एक डुबकी में मेरा तो दर्शन हो गए बाबा, आशीर्वाद दो बाबा। बाबा गया डक लेके आ रहा, गुस्से वाला बाबा है, अलग अलग क्वालिटी के बाबा, सोते बाबा, रोते बाबा, चले बाबा, रुके बाबा, भगे बाबा, गोल्डी बाबा, ओल्डी बाबा, बोल्डी बाबा, बाबा की अलग अलग क्वालिटी। मैंने कहा गुस्से वाला बाबा है क्या? मैंने कहा बाबा आशीर्वाद दो, ब्यावर से आया हूं, बहुत खर्चा हो गया। लेकिन अगर कोई भजन गाऊं तो बाबू राजी हो जाए। ले बेटा बहुत आनंद में, खावा पीपा में बहुत आराम हो, 3 दिन तक खावा पीपा की कोई कमी नहीं आई। पर यार 3 दिन तक तो चाहे तो देसी घी को पापा कार्ड पे ले बेटा। मैंने गाना शुरू किया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे बाबा तेरी मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे बाबा पुनगबा। ढोलक बाजे बजा रहा, गाना गा रहा, कौन सा बाबा, कैसा बाबा, कहाँ पे है बाबा? मैं कि आप नागा बाबा, आपके तन पर कपड़े की तो बात छोड़ दो, सूत का एक दोरा भी नहीं, मैं कोई बाबा नहीं। मैं कि बाबा झूठ मत बोलो, आशीर्वाद दो। बाबा खुद रोने लगे, भैया मैं कोई बाबा नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तो स्नान करने के लिए आया था, मेरे कपड़े को मार के चला गया। तो बस आप चाय ले लें और हम तक भी पहुंचा दे। ब्यावर की इस धरती के लाल ओम प्रकाश जी महावन ने बिना किसी भूमिका के और बिना किसी औपचारिकता के, जब यहां 5 साल से नहीं थे, उनकी सरलता, उनकी सहजता इससे लगती है कि हम पीछे बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी के जादू से सबको आगे बिठा लिया और अनौपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू कर दिया। और इस 1 घंटे के अनौपचारिक कार्यक्रम में आपको हंस हंस कर लोटपोट कर दिया। आज उन्होंने तय कर क्या है कि आपकी क्षमता कितनी है कि इस होली के इस सने मिलन को आज यादगार और ऐतिहासिक बनाने का। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में तो मैं जाता हूं और लोगों में चिर परिचित हूं, लेकिन मैं इस धरती का लाल यहाँ के लोगों को यहाँ भी जानते हैं समझे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से आनंदित होकर नहीं जाए, उनको लगे कि उनकी इस धरती का लाल पूरे देश में कैसे कार्यक्रम के लिए सम्मान करें। वैसा पवन जी, मेरा आग्रह है रामदयाल जी साहू साहब से, पर जो कलाकार हैं भाई संजय जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं ललित जी से आग्रह करूंगा कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। ललित जी आशीर्वाद। ढोलक पर है, उनका स्वागत करने के लिए भाई खराब हो जाओ, ब्याह हो जो साहब हो, हाल तक परेशानी में मारा केसरी हजारी गुण को फूल ए लुगया मरवा वे भजन का बीन बड़ा ही काड़ो हो, बीन बड़ा ही काड़ो हो, मारा केसरी हजारी गुण को फूल, क्या का फूल लेगा तो फूल खुद का बिखर गया। तो मैं कोशिश ये करूंगा और हरे करके जा रहा हूँ कि ये करके बता देना, उसके बाद में मुझसे मिल लेना कि पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला। अध्यक्ष महोदय
जेडीएस जूनवाल साहब, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला, और जो बीत गया है कल उस कल को वापस ला। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला, जो बीत गया है कल उस कल को वापस ला, और सारा गरूर खाक में मिल जाएगा असद, पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला। पानी का बुलबुला परमात्मा पैदा कर सकता है। जितने अनाउंसमेंट करना शुरू किया था, शुरुआत के दौर में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसके बाद में सरस्वती माता ने ऐसी मेहरबानी की कि मैं घर से कुछ नहीं लेकर के आऊंगा।